हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण कुछ अलग बनते दिख रहे हैं। बीएसपी एएसपी के हरियाणा में एंट्री से दलित वोटर किस ओर जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। हरियाणा में बीजेपी जहां तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी ने भी इस बार जीत का सियासी गणित लगाया है। दरअसल इनेलो ने जहां बहुजन समाज पार्टी और जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, तो इससे इस बार के हरियाणा चुनाव में बड़ा खेल होता दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद नीत आजाद समाज पार्टी हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने मंगलवार को गठबंधन का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गठबंधन के तहत जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी राज्य की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चौटाला ने कहा कि गठबंधन किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा और हरियाणा को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा। चौटाला ने कहा कि हम राज्य की सभी 90 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि वे किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दे उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद आजाद ने कहा कि आने वाले दिनों में हरियाणा में किसानों और मजदूरों के मुद्दों को उठाने के लिए और अधिक लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। दिसंबर 2018 में मूल संगठन इंडियन नेशनल लोकदल में विभाजन के बाद जननायक जनता पार्टी अस्तित्व में आई। हरियाणा में इनेलो के बसपा और जेजेपी के आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने के बाद अब दलित वोटर किसकी तरफ जाएंगे, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्योंकि हरियाणा में 21% दलित वोटर हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस बार दलित वोट बंटने के पूरे चांस हैं। वहीं इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस को मिले थे, जिसकी वजह से वो 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। वहीं बीजेपी को इसका कुछ खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जहां कांग्रेस संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, ये दोनों ही मुद्दे दलितों के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसे में इनेलो और जेजेपी ने इसी वोट बैंक के आधार पर अब गठबंधन के जरिए बड़ा खेल करने की ठानी है। फिलहाल अब बीएसपी एएसपी की हरियाणा में एंट्री से नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं।